राम दोस्तों, गायक कलाकार मंदरा दीवन का रजमाना। दोस्तों आप तो देख रहे होंगे, मैं दुश्मनी की वजह से पहले गांव से जयपुर निकल गया। मैं 5 महीने से मैं जयपुर आ रहा हूँ मेरे परिवार के साथ में। तो कुछ लोग, अगर आप तो देख रहे होंगे, मेरी दोनों गाड़ियों को जला दी। गांव में मेरे पिताजी रहते थे, मेरा छोटा वाला भाई रहता था, वो कहीं गया हुआ था। तो या तो पंच पटेलों से, मेरे गांव वालों से जाके पूछ लो। मैं 5 महीने से बाहर हूं, मैं गांव में हूं भी नहीं। मैं जो फैसला करेगी वो समाज करेगी। और मैं मेरे दोनों बच्चा बच्चों की कसम खाई कहता हूं मैं, और मैं जलाल बाबा मानता हूं, उसकी कसम खाई कर रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। जिन्होंने मेरा नुकसान किया, उसका नाम, एक तो नाम है गणदेव गुजर फाउंडेडा, और उसका बुआ जी का लड़का ओम प्रकाश चेची, उसी ने मेरे, वो मेरे साथ रहता था पहले, उसने मेरे पूरा घर की सीआईडी बताई थी। उधर होगी जाके ऐसे बाउंड को ऐसे आग लगाना। एक आसाराम बनठा, इन तीनों ने मिल गए मेरी गाड़ियों की आग लगा दी। जो समाज करेगी, जो फैन करेंगे, वो फैसला होगा। मैंने आदम तक किसी का बुरा नहीं किया है, बिना फालतू तो दोनों गाड़ियों की आग लगा दी मेरी के इन तीनों आदमियों ने, और अन्य आदमी और साथ थे। बात इतनी सी हुई थी गणदेव से मेरी, वो एक दो बार खा भी था भाई पपला गेंग का गाना, मत निकाला कर दो। अब उनकी कोई अदर गेंग, कोई दूसरी गेंग पता नहीं कौन सा है, पपला गेंग गाना मत निकाला कर। पपला से मैं एलर्जी है, ऐसे बताया था। तो ये गणदेव ने, ओम प्रकाश जी कुमारिया ने, रासाराम बनठा ने, तीनों ने उसी रात को मेरे बात भी की थी। मेरे पास कोई नंबर भी है, गाड़ी क्लोज किया था, दुर्व्यवहार किया गया था, लेकिन मैंने उस चीजों को ध्यान नहीं दिया। भाई इतनी हद पार कर जाएंगे। तो इन तीनों ने मिलकर ये किया। मैं ये चाहता हूँ जो समाज करेगी, पंच पटेल करेगा, वो फैसला होगा। मैं आदन तक 3600 समाज का मैंने चित्र साथ दिया है। मैं मेरी जगह अगर गलत हूँ, सब भाई राम राम है, धन्यवाद।